हेलो स्टूडेंट्स दीपिका सोलंकी गोइंग टू फील द पेज नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन ऑफ योर इंग्लिश बुक तो पेज नंबर ट्वेंटी से स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इसमें हमें बताया जाता है आइए हम जानते हैं अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही फॉलो की जाती है जैसे माय अंकल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो है इज इन दिस सेंटेंस द सिंगुलर सब्जेक्ट माय अंकल इज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब इज नाउ अ प्लूरल सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब एक प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब के द्वारा ही फॉलो किया जाता है जैसे कि माई पेरेंट्स आर टीचर्स माई पेरेंट्स आर टीचर अब यहाँ पर माई पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है कैसे पता चल रहा है पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर इज़ का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आर का यूज़ करेंगे इन दिस सेंटेंस द प्लूरल सब्जेक्ट माई पेरेंट्स इज़ फॉलोड बाय द प्लूरल वर्ब आर अंडरस्टूड अब प्रेजेंट टेंस की क्योंकि बात हो रही है तो आपको बता दें कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ एज को एड करते हैं किसको एज एड करते हैं एस को एड करते हैं वो भी किसके साथ मेन वर्ब के साथ तो यहाँ पर हमें लिखना है माय अंकल वर्क्स मेरे अंकल काम करते हैं तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा बल्कि वर्क्स होगा मतलब हमें एस एड करना पड़ेगा माय मदर वर्क्स मेरी मदर काम करती हैं ही वर्क्स वह काम करता है शी वर्क्स वह काम करती है इट वर्क्स यह काम करती है यह करता है द कंप्यूटर वर्क्स मतलब कंप्यूटर काम करता है ठीक है अब यहाँ पर यदि यही सब्जेक्ट प्लूरल होते अंकल की जगह अंकल्स होते तो वर्क्स नहीं होता सिर्फ़ वर्क होता माय मदर वर्क्स लिखा है ऐसे यदि माय मदर एंड फ़ादर होता तो यहाँ पर हम एस का यूज़ नहीं करते बल्कि हम लिखते माय मदर एंड फ़ादर वर्क मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस यूज़ नहीं करेंगे तो देखिए सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म द कंप्लीट सेंटेंस हमको जो करेक्ट वर्ब है उसको सर्कल करना है अशोक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम प्ले का यूज़ तो कर ही नहीं सकते हमको एस लगाना है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे प्लेज अशोक प्लेस क्रिकेट एवरी डे आफ्टर स्कूल नेक्स्ट इज माई सिस्टर माई सिस्टर इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट सो यर वी यूज लाइक्स माई सिस्टर लाइक्स सिंगिंग एंड डांसिंग मेरी सिस्टर को सिंगिंग और डांसिंग पसंद है मिस्टर एंड मिसिज मूर्ति मिस्टर एंड मिसिज मूर्ति ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे किसी दो पर्सन की बात हो रही है सिंगुलर की नहीं हो रही है इसलिए हम यहाँ पर गोज यूज़ नहीं करेंगे बल्कि गो का यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है मिस मिस्टर एंड मिसिज मूर्ति यूजअली गो टू केरला फॉर देयर हॉलीडेज दिस कंप्यूटर कॉस्ट और कॉस्ट टू मच मनी वी कांट बाय इट अब दिस कंप्यूटर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर कॉस्ट्स का यूज़ करेंगे दिस कंप्यूटर कॉस्ट टू मच मनी वी कांट बाय इट ओके अवनीत एंड किरत हेल्प और हेल्प्स अवनीत एंड किरत मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेल्प्स का यूज़ नहीं कर सकते हम किसका यूज करेंगे हेल्प का दे आर पेरेंट्स विद द हाउस वर्क द टेस्ट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट इज देयर Were or was of course, वर और वॉज डिफ़िकल्ट ऑफ़कोर्स यदि वर और वॉज में से सिलेक्ट करना है तो हम वॉज़ का करेंगे क्योंकि वॉज़ हम सिंगर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं वहीं हम वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज द सेंटेंस विथ ईज आर वॉज वर हैज़ और हैव ईज आर मतलब जहाँ प्रेजेंट टेंस की बात होगी ईज आर का यूज़ करेंगे पास टेंस की होगी वॉज वर करेंगे और जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ काम कंप्लीट हो चुका है वहाँ हैव या हैज का हम ऐड करेंगे चलिए हम देखते हैं सेंटेंस श्वेता श्वेता इन द ब्लैंक्स डूइंग हर होमवर्क एट द मोमेंट श्वेता इज डूइंग एट द मोमेंट है मतलब अभी की बात की जा रही है हमें प्रेजेंट टेंस की बात करना है तो या तो ईज़ का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे तो वो इसी मोमेंट में कर रही है मतलब अब श्वेता सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ईज़ का यूज़ करते हैं इसलिए हमने ईज यूज़ किया है नेहा एंड बेला नेहा एंड बेला मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट इज देयर और जस्ट कम जस्ट कम मतलब प्रेजेंट टेंस है तो हमें ईज या आर का यूज़ करना है नेहा एंड बेला है इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे दैट इज़ आर नेहा एंड बेला आर जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर हॉलीडे अब देखिए यहाँ पर रेंग लिखा है रैंग मतलब क्या होता है पास्ट की वर्ब है ये कैसी है वर्ब पास्ट की है रिंग होता तो प्रेजेंट की होती ये तो पास्ट की वर्ब फॉर्म है इसलिए हमें वॉज या वर में से कुछ लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दैट इज वॉज आई वॉज इन बेड वैन द फोन रैंग नेक्स्ट इज माई ब्रदर पास ऑल इज़ एग्ज़ाम उसने पास कर ली है कर ली है मतलब क्या हो गया है काम कंप्लीट हो चुका है तो हैव या हैज लगाएंगे हैज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और हैव हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे माय ब्रदर हैज़ पास्ड ऑल हिज एग्ज़ाम्स नेक्स्ट इज़ आर टीचर्स आर टीचर्स हैविंग अ मीटिंग इन द क्लास रूम सो आई कूडेंट गो इन सो जस्ट थिंक अबाउट इट क्या आना चाहिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे टीचर्स की मीटिंग चल रही थी इसलिए मैं क्लास के अंदर नहीं जा पाया क्लास रूम में हमारे यहाँ टीचर्स की मीटिंग चल रही थी इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया मतलब कि ये पास्ट का टेंस है तो वॉज़ या वर्ड यूज़ करेंगे और आर टीचर्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी वर्क का यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पर राइट करेंगे आप डब्ल्यू ई आर ई वर आर टीचर्स वर हैविंग मीटिंग इन द क्लास रूम सो आई कोडन्ट गो इन नेक्स्ट भी आपको करना है लेटस्ट चेक वॉट विल यू डू वी कॉन्ट गो आउट बिकॉज वी फिल इन द ब्लैंक स्टडी फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट देखो अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि मैं बाहर नहीं जा सकता वहाँ कुडंट था मतलब समझ में आ गया पास्ट टेंस है यहाँ कैंट है मतलब क्या है प्रेजेंट टेंस है अब हमें क्या लगाना है इज या आर अब वी है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे दैट इज़ आर वी कांट गो आउट बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट हियर आर पेज नंबर ट्वेंटी इज कम्प्लीटेड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी वन लेट us चेक द पेज नंबर twenty one. Pronunciation syllables सबसे अच्छा पार्ट है प्रोनासीइशन का क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं होता क्या है एक तो हमें हेजिटेशन बोलने नहीं देता है और दूसरी चीज़ यदि हम बोल भी देते हैं तो हमारे प्रोनासीशन क्लियर नहीं होते हैं सही नहीं होते हैं जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि हमें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती तो जितना भी हम पढ़ें उसे क्लियरली पढ़े हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो और जो प्रोनाउंस करे वो भी परफेक्ट हो तो प्रोनांसिएशन को क्या करते हैं सिलेबल्स के थ्रू जाना जाता है सिलेबल्स को सिंपल वे में यदि मैं, मैं समझाऊँ तो पार्ट अलग अलग पार्ट एक बड़ी स्पेलिंग के अलग अलग पार्ट कर देना मतलब एक स्पेलिंग के कितने पार्ट हो सकते हैं अब इसमें पार्ट कैसे बनते हैं सिलेबल्स कैसे बनते हैं हम इसमें पढ़ेंगे ट्राई दिस पुट योर हैंड अंडर योर चिन वॉट इज़ देंटेंस ये दिस पुट योर हैंड अंडर योर चिन अपने हाथों को अपने चिन के नीचे लगाइए हाँ अपनी चिन के नीचे लगाइए और इस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए पेपर आपकी चिन कितनी बार ऊपर नीचे हुई कितनी बार ड्रॉप हुई हाउ मेनी टाइम्स डिड यू डिड यूर चिन्ह ड्रॉप कितनी बार ड्रॉप हुई ट्वाइस टू टाइम्स ड्रॉप हुई if you answer twice you are right this happens because the word syllable the, because the word paper has two syllables kyunki word jo paper hai usme kitne syllables hain two syllables hain a syllable is a unit of pronunciation that contains a single vowel sound सिलेबल क्या होता है एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होती है जिसमें एक सिंगल वॉवल साउंड होता है A word can be made up of one or more syllables. एक वर्ड जो होता है एक या एक से अधिक सिलेबल से बना होता है ठीक है लाइक डॉग वन सिलेबल ब्लैंकेट टू सिलेबल अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ अपने चिन के नीचे हाथ लगाइए और देखिए देखिए कितनी बार आपकी चिन ड्रॉप हो रही है डॉग बोलने में तो डॉग एक ही बार होगी ब्लैंकेट बोलो ब्लैंकेट तो चीन हमारी दो बार ड्रॉप हुई चीन नीचे कितनी बार आई दो बार आई मतलब टू सिलेबल्स हैं अंडरस्टूड ये इजी वे है इसे समझने का चलिए इसे अब हम बोलकर देखते हैं से दिज वर्ड्स एंड क्लेप वंस फॉर इट सिलेबल इन अ वर्ड अब आपको एक सिलेबल के लिए एक क्लैप करनी है एक से ज़्यादा सिलेबल हो जितने सिलेबल्स हो उतनी क्लैप करनी है ठीक है वन सिलेबल नाउ स्टार्ट कैट चेयर स्काई हाउस अब जो हमारे पास है ये ट्वाइस टू सिलेबल्स हैं कैसे पता चला टू सिलेबल है देखो पो यम टे बल ठीक है तो हमें दो बार क्लैप करनी है और दो बार में दो पार्टी पार्टीशन में इसे बोलना है लेट अस स्टार्ट पो यम टे बल बो टल ओके वेरी नाइस बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप भी अब आपको थ्री सिलेबल्स दिए हैं कितनी बार दिए हैं थ्री सिलेबल्स दिए हैं हमें थ्री टाइम्स क्या करनी है क्लैप करनी है ओके सो लेट अस स्टार्ट हम कितनी बार क्लैप करेंगे थ्री टाइम्स क्लैप करेंगे कम क्यू, टर ब्यू टी फुल सी लेबल इन डी या ओके कितने हो गए हमारे सिलेबल थ्री सिलेबल हो गए बहुत अच्छा लग रहा है ना अब आपको क्या करना है आपको फिर से ये वीडियो चलाना है इन्हें सुनना है और क्लैप करनी है नाउ सी वर्क विद अ पार्टनर से दिस वर्ड्स टुगेदर एंड क्लेप वंस फॉर इच सिलेबल इन अ वर्ड देन कंप्लीट द टेबल अब आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी वो आपके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन कोई भी हो सकते हैं आप क्या करेंगे आप सिलेबल बोलेंगे और वो क्लैप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो इस वर्ड को बोलेंगे और आप क्लैप करोगे चलिए वन सिलेबल वाले कौन कौन से हैं हमारे पास वर्ड्स देखते हैं अब आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे अपने चिन्ह के नीचे हाथ लगाओ और बोलो अनडर मतलब कितने सिलेबल हो गए थ्री सिलेबल हो गए हमारे कितने सिलेबल्स हो गए थ्री सिलेबल अब विलेज बोलो विल एच मतलब दो बार ड्रॉप हुई चिन्ह मतलब ये टू सिलेबल्स हैं बस ऐसे चिन्ह के नीचे हाथ लगाते जाओ और जितनी बार ड्रॉप हो उतनी बार में आपको वन सिलेबल हो तो वन बार लिखना वन सिलेबल में लिखना टू सिलेबल हो तो सेकेंड मिस में लिखना और थ्री सिलेबल्स हो तो लास्ट वाले में लिखना है ठीक है चलिए अब आपको क्या करना है अपने जो पार्टनर है पेरेंट है ब्रदर सिस्टर है उनके साथ क्लैप करके वन सिलेबल वाले सब वर्ड्स बोलना है टू सिलेबल्स वाले ट्वाइस टू बार क्लैप करके और थ्री सिलेबल्स वाले थ्री बार क्लैप्स करके बोलना है सो लेट अस स्टार्ट करें स्टार्ट हम ठीक है करते हैं हम वन सिलेबल से स्टार्ट करते हैं कप प्ले पीस प्लांट टू सिलेबल्स ठीक है टू सिलेबल्स वाले देखते हैं हमें टू टाइम्स क्लैप करनी है और एंच एनी मल विल एज वेरी गुड थ्री सिलेबल्स वाले जो है हमें थ्री टाइम्स क्लैप करनी है सैन टैन सैन चर रीबल अन वेरी नाइस अब यदि आप सिलेबल्स के थ्रू किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे तो कभी भी आप उसे गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे सेकेंड थिंग आप बड़ी सी बड़ी स्पेलिंग को भी इजीली पढ़ पाएंगे आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी आपकी वर्कशीट नंबर थ्री मैं आपको शो कर रही हूँ आप इसे ध्यान से देख लें और इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें इस स्क्रीन शॉट को लेकर आपको इसे फील करनी है फ़िल कैसे करोगे सिर्फ टिक लगाना है टू आपको मल्टीपल चॉइस दी है आपको उन टू चॉइस में से किसी भी एक चॉइस पे क्या करना है टिक करना है दैट इज़ योर होमवर्क दिस वर्कशीट इज़ योर होमवर्क अंडरस्टूड अब आप सिलेबस पे वर्क करेंगे और अपनी बुक में जितने भी लेसन है पर डे वन पेज पढ़ेंगे और अलग अलग सिलेबस पे क्लैप करेंगे थैंक यू सो मच एवरीवन